क्या जगह भैया? ये क्यूटी बैंड। क्यूटी बैंड है ये? हाँ। अच्छा, खाना खाने के लिए। हम तुम्हें किसी बस स्टैंड पे छोड़ेंगे, हाँ। तो जहाँ से भी होता होगा, फिर हम वहाँ से आगे निकलेंगे, हाँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि कल तुम हमारे साथ धोराड़ चलो, हाँ। रात को वहाँ रुको, हाँ। परसों सुबह वहाँ से चढ़ा दूँ तुम्हें। आज कितने तरीके? 28। कल 29, परसों 30 को चले, 30 को सुबह, हाँ 30 को सुबह वहाँ चलो, हाँ। तुमने ये करना है कि धोराड़ से सुबह तुम्हारे को टैक्सी पकड़ाई जाएगी, वो तुम्हें काठगोदाम उतारेगी। ठीक है। काठगोदाम से ट्रेन 4 बजे की, 10 बजे दिल्ली। अच्छा, शताब्दी 4 बजे चलती है ट्रेन वहाँ से? हाँ हाँ। मैं मुझे अच्छा लगता है हेल्दी खाना खाना, पर मुझे जब मैं सफर में होती हूँ तो मेरा मुंह चलना चाहिए लगातार। तुम्हें चिंगम दे देंगे कल से, हम चलता रहेगा लगातार। खाना खाया भैया? हाँ। क्या खाया? दाल चावल सब्जी। अच्छा, दाल चावल सब्जी, हाँ। हो गया फिर पूरा काम? हाँ। कोटा पूरा? कोटा पूरा। अब चाय बनाने के लिए रुकोगे? हाँ। चलो ठीक है। फाइनली पेट पूजा करके जब थोड़ी जान में जान आई तो हम क्विटी बैंड से आगे निकले। पिछली वीडियो में आपने देखा कि आज दिन की शुरुआत बीरती फॉल की ट्रैक से हुई थी और अब हम बागेश्वर की तरफ चले जा रहे थे। दीनू और हेमल का अब वापस दिल्ली जाने का टाइम आ गया था और हम रास्ते में यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या बेस्ट ऑप्शन होगी। फाइनली हमने डिसाइड किया कि वो कल हमारे साथ बागेश्वर से धोराड़ तक चलेंगे और फिर परसों वहां से दिल्ली। डिस्कस करते हुए भी हमें थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि लास्ट 7 डेज हमने दोनों के साथ काफी इंजॉय किया था और उनके वापस जाने के साथ साथ हमारी रोड ट्रिप का फर्स्ट लेग खत्म होने लगा था। अभी तक के हमारे इस ट्रिप के एक्सपीरियंस में ये रास्ता हमें सबसे ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहा था। ऑलमोस्ट पूरे रास्ते ही ऊपर पहाड़ से नीचे पत्थर और डेब्री के सक्के आई हुई थी और बहुत से बड़े बड़े पत्थर नीचे रामगंगा नदी के दोनों तरफ पड़े हुए थे। इस सबसे इस बात का आइडिया लगाया जा सकता है कि बरसात के दिनों में यहाँ ट्रैवल कितना रिस्की होगा। ये भी बड़ी अजीब बात थी कि रोड के इस सेक्शन में रामगंगा की जिस साइड हम ट्रैवल कर रहे थे वो काफी ड्राई और बिना वेजिटेशन या ट्रीज के थी और सरप्राइजिंगली ठीक हमारे सामने नदी की दूसरी तरफ ग्रीनरी भी थी और बड़े बड़े पेड़ भी। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि जो पहाड़ हमारी तरफ था वो पूरी तरह पत्थरों और मिट्टी का था और सिर्फ गिनती के ही पेड़ यहाँ रास्ते में नजर आ रहे थे। जब हम रातों से कुछ किलोमीटर दूर रह गए थे तो दिनेश ने देखा कि सड़क से नीचे की ओर एक कच्चा रास्ता जा रहा था। क्योंकि सड़क भी अब धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रही थी तो हमने अंदाजा लगाया कि शायद ये कच्चा रास्ता नीचे वापस इस सड़क से मिल जाएगा। बस फिर क्या था, बानी, हेमल और दीनू ने डिसाइड किया कि वो कच्चे रास्ते से पैदल उतर कर नीचे सड़क पर दोबारा हमसे मिलेंगे। बी केयरफुल, नीचे जाओगे खाई में। मुझे भी तभी मैंने बोला। नहीं, मैंने वो लॉजिक लगाया ना, जब वो बोल रहा उस पहाड़ में आना है तो मैंने कहा जब तक गाड़ी उधर जाएगी तब तक हम भी यहाँ से उस तरफ निकल जाएंगे, तब तक ये रास्ता दिख गया। मेरे को ये रास्ता देख कर ही दिमाग में ऐसा आया। हाँ, जा तो वहीं रहा होगा यार, नो डाउट वहीं जा रहा होगा।
लकड़ी कटी होगी ना फ्रेश, यहाँ पर ये इसके पेड़ दिखने लग गए दीदी, ये जो पिरू वाले नहीं हाँ यही जा रहा होगा नीचे को, ऐसा तो लगे ये नीचे सड़क पे जाएगा। हाँ जाएगा जाएगा, हम ऊपर सड़क पे आ रहे हैं, ऊपर सड़क पे। कहाँ जाना है? वाली से गाड़ी वो नीचे आ रही है। अच्छा इससे अंदाजे से आए हैं। अच्छा खाली टहलने के लिए, टहलने के लिए। हाँ कि जब तक गाड़ी आ रही है तब तक हम नीचे। हाँ ठीक है ठीक है, नीचे उतर के आ। बिल्कुल ये सड़क पे जाएगा। हमको लगा बाघ भी मिल जाएगा। हाँ बाघ है यहाँ? बाघ हाँ नहीं तो। अच्छा नहीं है बाघ? बाघ चाहिए क्या? हाँ हाँ बाघ है। हाँ कोई गाड़ी आई थी यहाँ से भी? हाँ आएगी। सफेद रंग की आई कोई? हाँ हाँ आई नहीं होगी, ऊपर से आ रहे तो टाइम लगता होगा ना गाड़ी आने में। टाइम तो क्या, पहुँचना चाहिए उसे, तो पहुँचना चाहिए। पीछे पहुँच गए होंगे क्या? इनसे पूछना कोई गाड़ी गई यहाँ से। हम बानी एंड गैंग के आने से पहले ही नीचे सड़क पे पहुंच गए थे। फाइनली बानी, हेमल और दीनू भी गांव में रास्ता पूछते पूछते करीब 20 मिनट में वहां पहुंच गए। रामगंगा नदी कई किलोमीटर से हमारे साथ साथ चल रही थी और फाइनली रातों में हमने पुल से उसे पार किया। ये जगह इतनी अच्छी लग रही थी कि हमने कुछ देर यहाँ रुककर कुछ वीडियोस लेने का डिसाइड किया। वीडियो शूट करके हम आगे बागेश्वर की तरफ चल पड़े और वो सफर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।